गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ फैजल खान एंड यू आर वॉचिंग द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ डेफोडिल्स पब्लिक सेकेंडरी स्कूल। सो टुडे वी हैव द टॉपिक ऑफ डिटरमिनर्स फॉर इंग्लिश फॉर क्लास 8th इंग्लिश। ओके, दिस टॉपिक इज एक्चुअली इन क्लास 8th इंग्लिश, बट 9th एंड 10th क्लास ऑल्सो कैन वॉच दिस वीडियो फॉर द रिविजन पार्ट ऑफ। सो वी आर स्टार्टिंग द टॉपिक डिटरमिनर्स, राइट? What are determiners? Actually, first of all, we are starting with the definition. What are determiners? Determiners होते क्या हैं actually? So, determiners क्या हैं? The definition is written on the board, so you can take an screenshot first of all for this all. Okay? So, first of all, introduction of determiners. What are determiners? Determiners होते क्या हैं actually? Right? What is the definition? Definition is determiners are those words which come before noun and शो हाउ दे आर यूज, यानी मीन्स डिटर्मिनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि नाउन को किस तरह से यूज़ किया गया है, मीन्स नाउन की काउंटिंग क्या है, नाउन की क्वान्टिटी क्या है, नाउन किस तरह से मतलब नाउन की तरफ इशारा किया गया है, यानी नाउन को किस प्रकार से यूज़ किया गया है सेंटेंस में, उसकी डेफिनेशन हमको डिटर्मिनर्स बताते हैं, राइट? सो डिटर्मिनर्स का एक्चुअल डेफिनेशन ये हो गई कि डिटर्मिनर्स वो वर्ड्स होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि नाउन को किस तरह से सेंटेंस में यूज़ किया गया है, राइट? वन मोर थिंग, द यूज़ ऑफ नाउन इज नेसेसरी आफ्टर डिटर्मिनर, यानी डिटर्मिनर के बाद में नाउन का यूज़ कंपलसरी है, यानी नाउन यूज़ होगा ही होगा, मीन्स नाउन्स को ही डिफाइन करते हैं डिटर्मिनर्स, राइट? अकेला डिटर्मिनर्स कुछ भी नहीं होता, मतलब अगर अकेले को हम डिटर्मिनर्स को कोई यूज़ करके, जैसे हम एक डिटर्मिनर ले लेते हैं ए, तो ए का कोई यूज़ नहीं होता, एक, अब एक कोई चीज़ होनी चाहिए, नाउन को बताना चाहिए मतलब कि एक क्या है, ठीक है? तो बिना उसके, बिना नाउन के कभी भी डिटर्मिनर्स को यूज़ नहीं किया जाता, फर्स्ट कंडीशन। देन आता है आपका टॉपिक काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स। तो काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स कितने होते हैं? दे आर 6 टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स आर हियर, यानी डिटर्मिनर्स को जो है हमने 6 ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है, डिवाइड किया हुआ है। तो कौन कौन से 6 ग्रुप्स हैं वो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला ग्रुप आता है आपका आर्टिकल्स। आपने आर्टिकल्स पिछली क्लासेस में पढ़े हैं, 6th एंड 7th क्लास में भी आपने आर्टिकल्स को रीड किया होगा, लर्न किया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा आर्टिकल्स की पूरा एक चैप्टर होता है, राइट? तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स आपने देखे होंगे ए, एन एंड द, ये तीन टाइप के आर्टिकल होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर हियर। सो कब तो हम ए को यूज़ करते हैं, एन को यूज़ करते हैं, देन द को भी यूज़ करते हैं, सबका यूज़ अलग अलग उसमें पूरे चैप्टर में अलग से दिखाया गया है, तो वो 6th एंड 7th का टॉपिक है, तो हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेंगे, डायरेक्ट मैं आपको पहले ऊपर से थोड़ा सा बता देता हूँ कौन कौन से 6 टाइप के डिटर्मिनर्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा आर्टिकल्स, देन सेकेंड नंबर पर है डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स, थर्ड नंबर पर आते हैं आपके पजेसिव्स, एंड फोर्थ नंबर पर आते हैं क्वान्टिफायर्स के बाद में 5th नंबर पर आते हैं आपके नंबर्स वाले डिटर्मिनर्स जो नंबर्स को शो करते हैं, एंड 6th टाइम पे आते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स मतलब किसी भी चीज़ को डिवाइड करना, डिस्ट्रीब्यूट करना किसी भी चीज़ में, ठीक है? तो इनका आप डिटेल में अपन देखते हैं एक बार। आर्टिकल्स वो डिटर्मिनर्स होते हैं, ये टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स होते हैं, एक तो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं और इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, यानी किसी भी चीज़ की, किसी भी नाउन की निश्चितता को बताते हैं या फिर अनिश्चितता को बताते हैं। आर्टिकल्स में ए और एन को एक ग्रुप में बांटा गया है और डी को अलग ग्रुप में रखा गया है, यानी ए और एन सेम जगह पर यूज़ होते हैं सिंगुलर और काउंटेबल नाउन्स के पहले, ठीक है? एंड द ओनली ऐसे स्पेसिफिक नाउन्स के पहले यूज़ होता है जो या तो स्पेशल कोई उनके अंदर कोई चीज़ होती है या फिर जो इसके अलग से बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे जब आर्टिकल्स का टॉपिक आएगा तब। ओके, तो देन आता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स कौन से होते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन मीन्स होता है किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करना या संकेत करना, ठीक है? तो संकेत या इशारा हम कैसे करेंगे कि जैसे यहाँ कोई टेबल रखी हुई है, तो ये टेबल कौन सी टेबल? ये टेबल। तो अब एक टेबल को स्पेसिफिक तरीके से हम कैसे स्पेसिफाई करेंगे, कैसे उसको हम बताएंगे कि कौन सी वाली टेबल? मैं किसी भी टेबल की तरफ इशारा करता हूँ, तो उस टेबल की तरफ इशारा करने के लिए मुझे कोई वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। अगर लिखा हुआ है तो कोई किसी को कैसे पता चलेगा कि टेबल कौन सी है, या फिर कोई भी जिस चीज़ के लिए मैं बात कर रहा हूँ वो कौन सी चीज़ है, ठीक है? तो उसकी कुछ ना कुछ डेफिनेशन देनी पड़ेगी, उसके पहले कोई वर्ड यूज़ करना पड़ेगा कि ये वाली टेबल या फिर ये वाला फ़ैन, वो फ़ैन, ठीक है? तो ये जो वर्ड होते हैं ना इस तरह के, ये, वो, यहाँ, वहाँ, ये क्या होते हैं? ये संकेत करने वाले वर्ड्स होते हैं, इशारा करने वाले वर्ड्स होते हैं। तो ये सारे के सारे वर्ड्स आपके डेमोन्स्ट्रेटिव्स में आ जाते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया हुआ है दिस, दैट, दिस एंड दोस। दिस इज़ अ कैट, यह एक बिल्ली है, या दिस कैट इज़ माइन, ये बिल्ली मेरी है। कौन सी बिल्ली? ये वाली बिल्ली जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। ओके,
तो दिस कैट इज माइन मीन्स यह वाली बिल्ली मेरी है. ओके, तो दिस जो है वो डेमोस्ट्रेटिव डेमोस्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स हो गए. राइट, देन दैट यूज करेंगे हम. दैट दैट मीन्स वे, यानी दैट बुक इज योर्स, वो वाली बुक आपकी है. राइट, तो वो वाली बुक मतलब दैट बुक. तो दैट को हमने कहाँ यूज किया, वे बताने के लिए, किसी चीज की तरफ उस वाली बुक की तरफ इशारा करने के लिए. राइट, तो इसी तरह से दिस का यूज होता है एंड दोज का यूज होता है. इन सबके मीनिंग होते हैं दिस मीन्स यह, यानी किसी चीज को पास, कोई चीज पास में है तो उसके लिए दिस यूज करते हैं. देन दैट का यूज भी सेम थिंग में होता है, बस ये दूर होती है तो वहां पर वह का यूज करते हैं. दिस दिस की टाइप दिस की तरह होता है, बस ये प्लूरल नाउन के पहले होता है, और दोज दैट की तरह होता है जो कि प्लूरल नाउन के पहले होता है. राइट, उसके बाद में हमारा आता है पजेसिव डिटर्मिनर. पजेशन मीन्स क्या होता है, पजेशन मीन्स होता है खुद के लिए या फिर किसी का अधिकार किसी चीज पे बताना. राइट, तो अधिकार कैसे बताएंगे हम, अधिकार ऐसे बताते हैं दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक. अब दिस इज के बाद में माई बुक मैंने लगाया है. बुक मीन बुक तो हो गया एक नाउन, और उसके पहले मैंने एक वर्ड यूज किया है माई. तो माई हम क्यों यूज कर रहे हैं, माई मीन्स होता है मेरी. अब मेरी वाली बुक यानी मैंने इस पे अपना अधिकार बता दिया है. राइट, मैंने अपना इस पे अधिकार शो कर दिया है कि ये बुक मेरी है. मेरी मतलब माइन, यानी पजेशन मैंने बता दिया. दिस चेयर इज योर्स, ये तुम्हारी चेयर है. तो इसमें मैंने आपका अधिकार शो कर दिया है. तो किसी का भी पजेशन या किसी का भी अधिकार शो करने वाले वर्ड्स जो होते हैं वो पजेसिव में आते हैं. तो इसके एग्जांपल्स हैं माई, माई मीन्स मेरा, आवर मीन्स हमारा या हमारी. राइट, देन योर, योर मीन्स तुम्हारा या तुम्हारी. हिज मीन्स उसका या उसकी. देन हर, हर मीन्स किसी लड़की का पजेशन अगर हम बताते हैं, यानी लड़की का या उस लड़की की. ठीक है, इट्स मीन्स कोई चीज़ के लिए पजेशन बताते हैं, जैसे टेबल की या फिर कोई टेबल की कोई चीज़ यहाँ पर निकली हुई है तो उसको हम कहेंगे ये टेबल का है, या फिर ये कोई लकड़ी टूट गई है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि इस टेबल की लकड़ी है. ठीक है, तो कोई चीज़ के लिए भी हम पजेशन शो कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि लिविंग थिंग्स के लिए ही पजेशन शो हो. राइट, तो इस तरह के वर्ड्स को हम कौन से पार्ट में यूज़ करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव में, सॉरी पजेसिव में. देन उसके बाद में फोर्थ नंबर पे आता है आपका क्वांटिफायर्स. क्वांटिफायर्स क्वांटिटी, यानी ये किस वर्ड से बना है, क्वांटिटी से. क्वांटिटी मीन्स क्या होती है, किसी भी चीज़ की मात्रा. ठीक है, अब मात्रा क्या होती है, मात्रा को हम कैसे शो करेंगे, मात्रा मतलब क्वांटिटी. कोई चीज़ को पानी है, ठीक है, तो पानी को हम ऐसे तो बता नहीं सकते कि दो पानी, चार पानी, पांच पानी. राइट, तो पानी कोई काउंटिंग में थोड़ी होता है, तो पानी तो मात्रा में होता है, क्वांटिटी में होता है. तो उसको क्वांटिटी को बताने के लिए हमें ऐसे वर्ड यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे कुछ पानी, थोड़ा पानी, बहुत ज़्यादा पानी, ठीक है, इतना पानी, उतना. तो पानी को या फिर कोई भी अनकाउंटेबल नाउन, कैसी भी अनकाउंटेबल नाउन हो, तो उस नाउन के पहले हम कभी भी क्या यूज़ नहीं कर सकते, वन टू थ्री फोर या फिर इस टाइप के काउंटेबल वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते. राइट, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, क्वांटिफायर्स वाले डिटर्मिनर्स यूज करने पड़ेंगे. तो क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स में कौन कौन से आते हैं, अ फ्यू. फर्स्ट डिटर्मिनर कौन सा है, अ फ्यू. अ फ्यू मीन्स थोड़ा. ठीक है, तो ऐसी चीजें जिनको काउंट तो किया जा सकता है लेकिन क्वांटिटी में उसको अपन यूज शो करना चाह रहे हैं, तो उसके पहले कौन सा डिटर्मिनर यूज करेंगे, अ फ्यू. देन वैसे ही सेम अ लिटिल होता है, दोनों सेम ही होते हैं, बस ये काउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए यूज होता है. अब आप कहोगे सर काउंटेबल, आपने तो कहा अनकाउंटेबल होनी चाहिए. अनकाउंटेबल कंडीशन नहीं है, अनकाउंटेबल सिर्फ इतना है कि मैंने आपको समझाने के लिए बताया था अनकाउंटेबल होना चाहिए, बाकी अनकाउंटेबल नाउन भी कोई मात्रा में हो सकती हैं. जैसे मान लो ब्रिक्स होती हैं, ईंटें होती हैं, हम घर बनाने के लिए लाते हैं, तो अब ब्रिक्स को हम मात्रा में भी भर सकते हैं, ऐसा थोड़ी उनको काउंट. जैसे और बहुत सारी चीज़ें, कोई भी और एग्जांपल ले लो आप, कि बुक्स हैं तो इतनी इतनी सारी बुक्स, ठीक है ना, इतनी सारी बुक्स या थोड़ी सी बुक्स हो सकती है ना, थोड़ी सी बुक्स हो सकती हैं, थोड़े से पेन हो सकते हैं, वो काउंटिंग में भी हो सकते हैं. अगर हम उसको काउंटिंग में यूज़ करना चाहते हैं तो काउंटिंग में भी यूज़ होते हैं, और उसको अनकाउंटेबल के तरीके से हम भर के यूज़ करना चाहें, एक पैकेट में भर के ले लें कि इतने से पेन, थोड़े बहुत, तो वो क्या हो गया, काउंटेबल और अनकाउंटेबल का ज़रूरी नहीं होता यहाँ पे. देन मच होता है, मैनी होता है. मच मैनी मीन्स, मच मीन्स बहुत अधिक चीज़ कोई अगर हो रही है मात्रा में, बहुत ज़्यादा है, तो मच हो गया, अधिक इसका मीनिंग होता है. देन मैनी, मैनी मीन्स होता है काउंटेबल नाउन जो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, यानी बहुत सारी है, लेकिन काउंटेबल तो है लेकिन बहुत सारी हैं, उनको काउंट नहीं कर रहे हैं अपन, उसको डायरेक्ट अपन बोल रहे हैं मैनी. मैनी मीन्स बहुत सारी हैं. ठीक है, अलॉट ऑफ मीन्स भी बहुत सारा होता है, बहुत ज़्यादा होता है. मोस्ट मीन्स अधिकतर होता है. ठीक है, और सम होता है, सम मीन्स कुछ,
या एनी होते हैं, ये भी अनकाउंटेबल नाउन्स को करने के लिए यूज़ होते हैं। तो अभी अपन इसको डिटेल में नहीं ले रहे हैं, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ही देना है पर्पस। तो लास्ट अपन सेकंड लास्ट नंबर्स पे चलते हैं। फिफ्थ नंबर पे आता है अपन का नंबर्स, राइट। तो नंबर्स में क्या होते हैं, नंबर्स वो वाले डिटर्मिनर्स होते हैं जो किसी भी चीज़ की, किसी भी नाउन की काउंटिंग को बताते हैं। जैसे वन, वन क्या है, नंबर है, राइट। अब वन मोबाइल मीन्स एक मोबाइल होता है, राइट। 15 मोबाइल मींस 15 मोबाइल्स, अगर मैं बोलता हूँ तो 15 मोबाइल्स मींस यानी 15 मोबाइल है मेरे पास में, ठीक है। तो वो काउंटिंग अगर मुझे शो करनी है तो 1, 2, 3 से 1, 2 अप टू इनफाइनाइट जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे डिटर्मिनर्स कहलाएंगे। और कौन से डिटर्मिनर्स में आएंगे, वो नंबर्स वाले डिटर्मिनर्स में आएंगे, नंबर्स वाले पार्ट्स में आएंगे। देन 10 हो गया, सम हो गया, जो सारे एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने ये नंबर्स में। अब देखो सम, आप बोलोगे कि सम सर यहाँ भी लिखा है आपने और वहाँ भी लिखा है, तो सम जो है ना नंबर्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और क्वांटिटी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। यानी किसी चीज़ की क्वांटिटी भी बता सकते हैं अपन, कुछ थोड़ी क्वांटिटी भी होती है और कुछ नंबर्स भी होते हैं। कुछ मीन्स 15-20 हैं तो उनको भी हम कुछ बोल सकते हैं। जैसे मान लो कोई चीज़ होती तो एक्चुअल में बहुत सारी होनी चाहिए लेकिन उसमें से 10-15 ही है हमारे पास में, तो 10-15 का मतलब कुछ हम उसको क्वांटिटी में भी यूज़ कर सकते हैं और नंबर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ डिटर्मिनर्स ऐसे हैं जो इधर वाले पार्ट्स में भी मैंने लिखे हैं और नीचे वाले में भी लिखे हैं। जैसे सम ऊपर भी लिखा हुआ था नीचे भी है, एनी ऊपर भी लिखा हुआ है नीचे भी है, मैनी भी ऊपर भी लिखा हुआ है नीचे हुए। तो इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है कि वहाँ नंबर्स को शो कर रहा है, वहाँ पर क्वांटिटी को शो कर रहा है, राइट। तो ये हो गया आपका डिफरेंस इसका। देन लास्ट जो आपका डिटर्मिनर्स में आता है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव को हटा दो और आप इसको बना दो डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स बंटवारा, किसी चीज़ को डिवाइड करना या फिर किसी चीज़ के अंदर उसमें बांटना, यानी किन्हीं दो लोगों में किसी चीज़ को बांटना। तो ये क्या हो गया, एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यानी आप किसी भी चीज़ को ले लो, कोई एप्पल्स हैं मेरे पास में बहुत सारे, ठीक है, तो मैं दो लोगों में उसको उनको बांटूंगा, तो बिटवीन, ये क्या है, डिटर्मिनर्स हो गया। और बिटवीन टू स्टूडेंट्स, तो ये जो या फिर कोई भी चीज़ को हम दो, या तो इसमें या फिर हम बोलें कि ये चीज़ या तो इसको देनी है या उसको देनी है, ठीक है। तो जो बांटने वाली जो फीलिंग्स आती है, बांटने वाला जो सेंस आता है उसमें क्या कहलाता है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स के अंदर आता है। यानी उसमें ऑल, ऑल मीन्स सभी में, अगर सारे के सारे हैं तो इसका मतलब भी वो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बोथ मीन्स दोनों में, तो वो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हाफ, हाफ मीन्स आधा आधा, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने कैसे किया, आधा आधा कर दिया, हाफ हाफ कर दिया। आइदर और, यानी या तो इसको या इसको, ठीक है, नाइदर नोर, ना तो इसको ना इसको, ठीक है, ये नाइदर नोर हो गया। तो इस तरह से ये सारे के सारे आपके डिटर्मिनर्स हैं। तो ये जो एक आइडिया था आपका डिटर्मिनर्स का, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सो इसके बाद में नेक्स्ट अपन इसको डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियो में देखें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू गाइस, थैंक्स ऑल ऑफ यू।